दोस्तों अक्सर हम लोग नाश्ते या डिनर में आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए पराठा, तो थोड़ा आटा बच जाता है। आज हम लोग उस बचे हुए आटे से एक बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी और बिल्कुल यूनिक रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये आटा बच गया था, इसमें से हम लोग थोड़ा सा आटा निकालेंगे और बिल्कुल छोटी छोटी हम लोग लोई बना लेंगे। यहाँ पर लोई की साइज़ आप बिल्कुल देख रहे हैं, पेड़े की साइज़ बिल्कुल छोटी छोटी, जो मिनी रसगुल्ले आते हैं उससे भी छोटी छोटी हम लोग को लोई बनानी है। अब यहाँ पर इन सारी आटों से मैंने लोइयाँ बना ली हैं। अब इसे हाथों पर मसलते हुए पहले गोल कर लेंगे और इसे हम लोग हाथों पर ही जो है मसलते हुए इसे लंबे आकार में हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह से हाथों पर जो है रगड़ते हुए इसे लंबा आकार दिया है। देखिए मैं यहाँ पर फिर एक और आपको बना करके दिखाती हूँ। हाथों पर जो है इसे मसलते हुए हम लोग एक लंबे शेप में दे देंगे। शेप अगर आप चाहें तो कुछ दूसरा भी दे सकते हैं आपके मनपसंद के हिसाब से। यहाँ पर मेरा जितना भी आटा था उससे मैंने ये सारा जो नाश्ता है रेडी कर लिया है। अब एक बर्तन में मैंने पहले से ही पानी खोलने के लिए रख दिया था, उसमें एक चम्मच के करीब नमक और एक चम्मच हम लोग ऑयल डालेंगे, जिससे कि हमारे नाश्ते जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं। अब इन सारे नाश्तों को इस खोलते हुए पानी के अंदर डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक हम लोग बिल्कुल हाई फ्लेम पर बॉयल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे नाश्ते 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल हाई फ्लेम पर मैंने इसे बॉयल किया है। अब इसे हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा नाश्ता जो है वो बिल्कुल अच्छे से उबल चुका है। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर चेक किया है, तो इसे बीच से आप काट करके देखेंगे, अगर आपके आटे के अंदर में जो है बिल्कुल स्मूथनेस दिखाई देगी इसका मतलब हमारा नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट स्टीम हो चुका है। अब इसे हम लोग पानी से किसी भी जाली में या जो है किसी भी स्टीम जो जाली आती है उससे हम लोग इस पानी से अलग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अपने सारे नाश्ते को पानी से निकाल लिया और इसे बिल्कुल ठंडा कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं चूँकि ऑयल अपने पानी के उबलते समय डाला था मैंने, तो मेरा नाश्ता चिपका भी नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अगले स्टेप पर। यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डालें और उसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने रफली काटा है, क्योंकि प्याज का जो क्रंचीनेस हमारे नाश्ते में आता है उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज को बिल्कुल 2 मिनट हल्का सा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। साथ में हम डालेंगे यहाँ पर 1 कप के करीब पत्ता गोभी कटा हुआ, और पत्ता गोभी को भी मैंने बहुत रफली ही चॉप किया, क्योंकि अब मेरे नाश्ते के अंदर में जो सब्जियों का क्रंचीनेस है वो नाश्ते के टेस्ट को और भी अच्छा कर देता है। और यहाँ पर मैंने डाला है 1-2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और साथ में डाला है 1 चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच के करीब टोमेटो केचप। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर 1/2 कप के करीब पानी डाला है और उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल करके इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद इसे अच्छे से चला करके 1 मिनट के लिए ढक करके हम लोग पकाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 मिनट हो चुका है, हमारा कॉर्नफ्लोर और सॉस आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप इस नाश्ते को ड्राई भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा जूसी रखा है, उसके लिए 1/2 कप और यहाँ पर पानी डाला है। डालने के बाद इन सारी चीज़ों को बिल्कुल सॉस के साथ अच्छे से मिलाएंगे। आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, न ज़्यादा गाढ़ा है न ज़्यादा पतला है। अब जो हमने आटे से नाश्ता तैयार किया था उसे इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम लोग बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से ये हेल्दी नाश्ता अगर आप अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में, टिफ़िन में कभी भी बनाएंगे तो वो भी इसे मिनटों में चट कर जाएंगे
और आपके बच्चे जो चाउमीन और बर्गर खाना पसंद करते हैं वो भी इस नाश्ते को बहुत अच्छे से खाएंगे और ये नाश्ता बिल्कुल हेल्दी है। और इस तरह की और भी हेल्दी और टेस्टी 5 से 10 मिनट में बन जाने वाले नाश्तों के लिए आप मेरे चैनल पर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि ऐसे नाश्तों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी